मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल रात मुमरा की किस्मत कॉलोनी सिद्दीकी बाग A2 इमारत के तीसरी मंजिल रूम नंबर 301 से एक ऐसी खबर सामने आई जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जी हां, मामला है फरहान शेख लगभग 28 वर्षीय का, जिसने कल शाम अपने ही घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि फरहान के पिता इब्राहिम शेख सऊदी में है और उनका परिवार इस इमारत में रहता है, मगर कल शाम करीब 8 बजे फरहान की आत्महत्या की खबर सामने आई। ये खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। रमजान के महीने में एक नौजवान ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, जबकि उसकी पत्नी भी 7 से 8 महीने की गर्भवती है। ऐसे में एक 28 वर्षीय नौजवान फरहान ने ऐसा क्यों किया, किसी को खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि फरहान कॉल सेंटर में काम करता था, सभी से हंसी खुशी मिलता था, मगर ऐसी क्या मजबूरी फरहान के सामने थी कि जो इतना भयानक कदम उठाने पर मजबूर हो गया। फरहान ने घर में ही दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या की है। फरहान की मौत से उसकी पत्नी और परिवार पर गमों का पहाड़ टूट गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बहरहाल इसकी सूचना मुमरा पुलिस को मिली और घटना स्थल पर पुलिस पहुँच कर शव का पंचनामा कर कलवा शिवाजी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है। आखिर एक हंसते मुस्कुराते नौजवान ने ऐसा कदम क्यों उठाया, अब ये जांच होने के बाद ही पता चलेगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।